24 घंटे लड़ते ही रहते हैं। करवा चौथ नहीं हो गया, पता नहीं क्या हो गया। ये गिफ्ट चाहिए, वो गिफ्ट चाहिए। ये मम्मी पापा का हर बार का है। अरे कभी तो शांत हो जाया करो, चैन से खाने भी नहीं दे सकते। और ये पता नहीं कहाँ रह गया, कह रहा था कुछ काम से आऊंगा, अभी तक आया नहीं। आ गया लगता है। Yes! अभी जाकर देखता हूँ। यार आ गया तू। और भाई क्या हालचाल? अरे भाई मैं ना तुझे किसी से मिलवाना चाहता हूँ। अरे जो भी हो बाद में मिलवाता रहियो। और वैसे तू कहाँ था? हैं? मेरे घर में कोई भी त्योहार हो हमेशा लड़ लड़ के चिड़िया घर बना देते हैं। अबे तेरा तो हमेशा का है। छोड़ मेरे सुन। हाँ क्या हुआ? अबे यार मेरी बीवी ने ना मेरे लिए फास्ट रख लिया। मैं नहीं चाहता था कि ये वो फास्ट रखे। बीवी? बस तूने कब शादी कर ली? अरे यार क्या बताऊँ, करनी पड़गी। अच्छा ठीक है कर ली होगी। पहले ये बता, अगर उसने फास्ट रख भी लिया तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई है? रख लेने दे। हैं? बीवी फास्ट नहीं रखेगी तो कौन रखेगा? अरे यार एक दिन के फास्ट के चक्कर में वो मेरा खर्चे पे खर्चा करवाएगी। कहीं बोलेगी ये ला के दो, वो ला के दो। मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। अरे भाई चिंता क्यों कर रहा है, मेरे से ले लियो पैसे। तुझसे? अच्छा तेरे पास कहाँ से है इतने पैसे? अरे 96in.com से। 96in.com ये क्या है? अरे तूने 96in.com के बारे में नहीं सुना? 96in.com मोस्ट ट्रस्टेड ग्लोबल बैटिंग बैंड है, जो कि अब इंडिया में भी अवेलेबल है। इसमें हर बैट पर तू कैशबैक जीत सकता है। अगर खेलते खेलते तेरा लॉस हुआ तो 12% तक का कैशबैक मिलेगा। अरे कमाल है भाई, और बताना इसके बारे में। हाँ और तो 30,000 तक का 501% डिपॉजिट बोनस। यहाँ पर तुझे 5,000 से ज़्यादा स्पोर्ट्स एंड गेम्स मिलेंगी। और हाँ पहले दिन से VIP ट्रीटमेंट पाने के लिए अभी विजिट कर 96in.com पर। आज ही करूँगा भाई। और हाँ मैं ना तुझे जिससे मिलवाने वाला था ना वो यहीं पर है। ए जी सुनती हो क्या? आ जाओ। सॉरी नोटी हो रही है बड़ी। भाई ये मेरी बीवी। कब शादी कर ली तूने इससे? अबे यार वो ना करनी पड़गी घर वालों के बोलने पे। ए जी झूठ क्यों बोल दो। अरे देवर जी मैं बताती हूँ, वो ना हमें ना भाग के शादी करनी पड़ेगी क्योंकि इनकी हाइट मैच नहीं होती ना मेरे से। मैच तो हो रही है। अरे रहने तो तुम। अरे दिल मैच हो रहा है ना। जबरदस्ती करवा दिया, मेरी तो जिंदगी बर्बाद होगी देवर जी। भाग के शादी? अबे तो तू यहाँ क्यों आया है? जाना यहाँ से, तेरे घर वाले मेरे को मार डालेंगे। अरे यार वो क्या है ना, घर वालों ने भगा दिया, अब कोई जगह है नहीं, तो हमने सोचा कि तू मेरा दोस्त है, तू हमें दे देगा अपने घर में जगह रहने के लिए। देवर जी रहने दीजिए ना अपने घर में। पहले शक्ल दिखाओ। मुँह दिखाई देगा, मुँह दिखाई तो बनती है ना, तभी तो मैं सोचूंगा कि हाँ मुझे अपने घर रखना है तुम्हें या नहीं। ए जी दिखा दूँ क्या ये चेहरा? हाँ ठीक है। वाह क्या मस्त माल पटाके ला। मेरा मतलब वाह क्या मस्त बीवी है तेरी। देवा जी रहने दीजिए ना हमें अपने घर में, हमारे पास तो जगह ही नहीं है कुछ भी रहने को। थोड़ा धीरे बात कर सकते हो? अंदर ना मेरे घर वाले हैं, वो थोड़ा त्यौहार है ना तो लड़ते रहते हैं गिफ्ट के ऊपर कि करवा चौथ है ना, कल करवा चौथ है, इसी वजह से कि गिफ्ट किसको चाहिए कैसा चाहिए। मेरी मम्मी थोड़ी ऐसी है गिफ्ट के ऊपर है ना। अच्छा अभी मैं सोचूं कितना चिड़ियाघर क्यों बना रखा है जी। सच बताओ देवा जी मेरी तो जिंदगी खराब हो गई इनसे शादी करके, मेरे को करनी नहीं चाहिए थी, पता नहीं क्यों कल मैं मत्था मारा गया था। अरे 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 भाभी जी रोइए मत, मेरे दिल में जगह है आपके लिए। मेरा मतलब मेरे घर में जगह है। हाँ तो नीचे रखा है बैग, अभी ले आती हूँ ना, है ना? नहीं अभी नहीं है, शाम को आ जाना आप दोनों बैग लेके। वो क्या है ना शाम को मेरी बुआ के पास मेरे पापा और मम्मी वगैरह भाई बहन वगैरह चले जाएंगे क्योंकि कल करवा चौथ है, तो शाम को आ जाना क्योंकि अभी देख लेंगे तो फिर समझ रहे हो ना। हाँ फिर ठीक है, शांति भी हो जाएगी घर में। मेरे को ना शांति वाले माहौल में रहना पसंद है, वरना आतंक तो ये भी मचा के रखते हैं। नोटी। अच्छा भाई चलना, मैं शाम में आता हूँ। ठीक है भाभी जी आई लव यू। मेरा मतलब बाय, शाम को मिलते हैं। बाय देवा जी बाय। वाह क्या मस्त बीवी है इसकी। अब इसकी बीवी को पटाऊंगा और अपना घर बसाऊंगा। यस। आ गई भाभी जी, आ गई। वेलकम भाभी जी, आइए आइए, चलिए आइए भाभी जी, आइए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो। आइए आइए भाभी जी, आइए आइए आइए। कि ये देखिए, ये है आपका और मेरा रूम, ठीक है? मेरा मतलब आपका और इसका रूम, ठीक है? ये सबसे बेस्ट रूम है जिसमें आप दोनों रहोगे। अच्छा है देव जी, अच्छा है, बहुत अच्छा है। हैं जी, बताइए ना कितना अच्छा रूम दिया है। मस्त रूम है, एक नंबर। हाँ, मजा आ जाएगा इस रूम में तो। इनके घर में तो खाटे थी, खाट पे थोड़ी ना सोती मैं। आप चिंता मत करिए, टाइम टाइम पे लेने आ जाऊंगा मैं आपसे। किराया अच्छा। हाँ, किराया दे सकता है ना भाई? किराया अब तू मेरे से भी किराया लेगा? कोई नहीं, भाभी जी से ले लूंगा। भाभी जी आप दोगी ना मेरे को क्या किराया? हाँ किराया दे देंगे ना जी, इतना कमाते इतना नहीं कर सकते, बहानेबाजी इनकी बस। अच्छा, जब तक आपको रहना है आप रहो, हैं? किराया मत देना, ठीक है? मेरा दिल बहुत बड़ा है आपके लिए, ठीक है भाभी जी? ठीक है देव जी, तुम बड़े प्यारे हो देव जी। थैंक यू, आई लव यू भाभी। मेरा मतलब तो चलो ठीक है, आप दोनों रेस्ट करो, मैं आता हूँ बाद में। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, जा जा जा। अरे देखो ना कितना बड़ा बेड है। ए जी देखिए ना कितना बड़ा बेड है। नी हो गदम गुद्दा भी है, गद्दे बड़े मस्त है। ठीक है भाभी जी, अब मैं चलता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है, तो जा जा। ठीक है देव जी, ठीक है ठीक है। वैसे भाभी जी अगर कोई काम हो ना तो इस बाबू को याद रख लेना। घर में सरनेम मेरा मतलब वो निक नेम मेरा बाबू है ना, पेट नेम, तो आप मेरे को एक बार बाबू बोल देना, मैं जब भी प्रकट हो जाऊंगा। आपको कोई भी काम हो, ठीक है भाभी जी? हाँ ठीक है, कोई भी काम होगा हम तेरे को बुला लेंगे। हाँ ठीक है। और भाभी जी अगर आपको कोई पर्सनल काम भी हो ना तो मैं उसके लिए एकदम रेडी हूँ। तो मेरा मतलब कुछ भी काम हो आप मुझे बोलना, ठीक है? हाँ। और आप कितने बजे ऑफिस जाते हो भाई साहब? मैं बता दूंगा तेरे को, तू जा यहाँ से। कितने बजे ऑफिस जाते भाभी जी? ये सुबह 9 बजे चले जाते हैं। तो आप चिंता मत करो, 9 बजे के बाद ना मैं हमेशा अवेलेबल होऊंगा आपके पास। तू क्यों अवेलेबल रहेगा भाभी के पास? अरे जब तू नहीं होगा घर पे तो भाभी की ध्यान भी तो रखना पड़ेगा ना, किसी ना किसी को। मैं हूँ ना। अच्छा ठीक है ठीक है। अब ठीक है, तू जा यहाँ से, बाद में ध्यान रखे, अभी पहले मैं रख लूँ ध्यान। जा जा, ठीक है भाभी जी, बाय बाय। अरे बाबू। हाँ जी। वो मैं कह रही थी कि वो मैं अपने अटैची में से कपड़े अलमारी में रख सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, अलमारी में रखिए। अगर अलमारी में जगह ना हो ना तो मेरे दिल में रखिए, बहुत जगह है मेरे दिल में आपके लिए। क्या मेरे दिल में जगह नहीं है क्या यार? तू क्यों रखेगा अपने दिल में? मैं रखूंगा अपने दिल में, और ये सामान भी मैं रखूंगा अलमारी में। तू जा यहाँ से। ठीक है भाभी जी, बाय। तेरे को बड़ा पड़ रही है ना उसके दिल में कपड़े रखने की, मेरे दिल में रख। रुक। अच्छा जी ठीक है, ध्यान से जाना, ठीक है? और वो क्या कहते हैं, लंच भी कर लेना। हाँ हाँ ठीक है। और हाँ, आप भी अपना ध्यान रखना, आज आपका फास्ट है ना, करवा चौथ का मेले रखा है ना। हाँ तो ठीक है, मैं शाम में जल्दी आता हूँ, फिर आपका फास्ट खुलवा दूंगा, ठीक है? ओके बाय बाय। वाह गया ये तो। और भाभी जी अकेली है घर पे, जाकर भाभी जी को पटाता हूँ। चोमू को छोड़ देंगी और मेरे से शादी कर देंगी। और करवा चौथ है ना, व्रत तो मैं ही तोड़वाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आप आ गए, मुझे मालूम था कि आप पक्का अपना पर्स ना फिर से भूल जाओगे। आ जाओ ले लो। अरे मेरा पर्स कहाँ रह गया? शायद मैं अंदर वाले रूम में भूल गया। ओए ये आवाजें कैसे आ रही है? एक मिनट देख के आता हूँ। लगता है भाभी जी मुझे बुला रही है। और भाभी जी कितनी सुंदर लग रही है, तो कर रहा भाभी जी को पकड़ लूं। पकड़ ही लेता हूँ। अरे आज बड़े रोमांटिक हो रहे हो, लेट हो जाओगे ऑफिस के लिए। जाओ पर्स ले लो अपना। भाभी जी मेरे को तो पता ही नहीं था कि आप मुझे इतना पसंद करती हो। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों इस रूम में? अरे भाई कुछ भी नहीं, वो तुम ऑफिस चले गए थे ना, तो मैंने सोचा भाभी जी को चाय और मट्ठी वगैरह पूछ लूं। चाय मट्ठी तो बाद में छोड़, अब ये रोना बंद कर। ये क्या करके बैठी है तू? मैंने कुछ नहीं किया। हाँ देख रहा हूँ मैं, तूने कुछ नहीं किया, सब कुछ तो उसने कर दिया। अरे अरे भाई, भाभी जी की कोई गलती नहीं है। वो मैं आया था रूम में ना भाभी से चाय वगैरह पूछने के लिए, तो भाभी जी बुला रही थी, मेरे को लगा मुझे बुला रही थी। भाभी जी आप मुझे बुला रही थी? हाँ मुझे लगा तुम हो। अच्छा अच्छा अच्छा, वैसे कोई बात नहीं भाभी जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे तुम तो वहाँ गए हुए थे ना ऑफिस? मैं अपना पर्स भूल गया था, पर्स लेने आया था, और पर्स लेने के बहाने देख रहा हूँ तुम दोनों यहाँ पे क्या गुल खिला रहे हो। तेरे को यही मिला? पर्स वहाँ पे रखा है, लेकर जाओ। पर्स छोड़, और तू यहाँ क्या खड़े खड़े मुँह देख रहा है, निकल यहाँ से। अरे मैं कुछ नहीं कर रहा था, वो भाभी जी से पूछने आया था, मैं बताया था ना। अच्छा ठीक है भाभी जी, हाँ मैं चलता हूँ। आई लव यू भाभी, मेरा मतलब आई रियली सॉरी भाभी जी, हाँ बाय बाय। हाँ जा यहाँ से। कल मुही क्या करके बैठी है तो उसके साथ? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे लगा तुम हो, मेरी कोई गलती नहीं है। तुम मुझे बोले जा रहे हो तुम क्यों नहीं आए, तुम्हारी गलती है। और मुझे बोलते रहते हो तुम बहुत गंदे हो, तुमसे मैं नहीं संभाली जा रही। मैं ये सोच के लाए थे, तुम्हें तो पता था ना मैं इतनी खूबसूरत हूँ। अच्छा अच्छा सॉरी, मेरी गलती है, सॉरी मेरी गलती है, अब से मैं तेरा ध्यान रखूंगा ठीक है। जाओ पर्स उठाओ निकलो। पर्स तो तेरे को लाना चाहिए ना, तुम ले लो, अब तुमने गलती करी है। जाओ पर्स लो निकलो, जाओ निकलो। अब कोई आना नहीं चाहिए इस रूम में वापस। अच्छा हो गया, जीना आराम कर रखा है। छोटी सी हाइट का एक तो पति मिल गया, गलती होगी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है ये आदमी। इससे अच्छे तो देवर जी हैं, इतनी फिक्र तो करते हैं, हाइट के भी हैं। मेहंदी तो लगी नहीं रही, कैसे लगाऊं? भाभी जी क्या कर रहे हो? देवा जी आपकी जानकारी में कोई मेहंदी वाली है क्या? मेरे को मेहंदी लगवानी, देखो ना आज करवा चौथ है और मेरे हाथ सूने सूने हैं। अरे भाभी जी बाहर वाले मेहंदी वाले को बुलाने से अच्छा घर में ही मेहंदी वाला है उससे लगवा लो। घर पर कौन है मेहंदी वाला? घर पर तो बस मैं हूँ, मेरे को मेहंदी लगानी आ नहीं रही। और वो है वो ऑफिस चले गए, उनको तो मुझसे कोई मतलब है नहीं। और एक आप हो देवा जी, आपको मेहंदी लगानी आती है? अरे बिल्कुल सही पकड़े हो भाभी जी, मैं ही तो हूँ मेहंदी वाला। अरे मेरे को एक नंबर की मेहंदी लगानी आती है, बहुत मस्त मेहंदी लगाता हूँ मैं। लो ना फिर लगा दो। अच्छा ठीक है लगा देता हूँ। और हाँ भाभी जी, वो जो दिन में हुआ ना उसके लिए आई एम रियली आई लव यू, मेरा मतलब आई रियली सॉरी। अरे कोई नहीं देवा जी, वो तो होता रहता है, और वैसे भी मुझे अच्छा लगा। वो अच्छा लगा भाभी जी, ठीक है मैं लगा देता हूँ। ऐसी लगाना ना कि कलर ना बहुत ज़्यादा डार्क आए, क्योंकि वो मुझसे प्यार बहुत करते हैं ना। भाभी जी अगर रंग अच्छे से लाना है तो फिर उसी से लगवा लो, मेरे से क्यों लगवा रहे हो? मैं क्यों लगाऊं फिर? अरे देवा जी मेरा मतलब इतनी डार्क रचे कि मुझे पता चल जाए कि आप मुझसे कितना प्यार करते हो। अरे भाभी जी प्यार तो मैं आपसे बहुत करता हूँ। लाओ 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 मैं लगा देता हूँ। अरे देवा जी आपके हाथ क्यों काँप रहे हैं? ओह भाभी जी इतने कोमल हाथ है ना आपके, कहीं आपके हाथों में निशान ना पड़ जाए मेरे हाथों से, इसलिए लगा लीजिए। अरे देवा जी। अरे भाभी जी अभी पूरा तो बनने दो, अभी रेडी तो होने दो, तभी तो पता चलेगा। भाभी जी आप देखो मत, काम करो आप आंख बंद कर लो, जब पूरी बन जाएगी ना तब आप देखना, ठीक है भाभी जी? लीजिए भाभी जी हो गया। अरे देवा जी ये क्या बना दिया आपने? भाभी जी इतनी अच्छी तो है, पर ये बना क्या दिया आपने? ये अच्छी कहाँ से लग रही है आपको? भाभी जी ऐसे देखिए। ये क्या है? अरे बैंगन। हाँ भाभी जी बैंगन है ये। आपने मेरे हाथ पे बैंगन क्यों बनाया है? भाभी जी मेरे को बैंगन बहुत अच्छा बनाना आता है, खाने में भी और बनाने में भी। अरे देवा जी जब आपको बैंगन इतना पसंद है तो मेरे हाथ पर बनाने की क्या जरूरत थी? करवा चौथ वाले दिन कौन अपने हाथ पे बैंगन बनाता है? अब मेहंदी लाओ, इससे बढ़िया मैं ही लगा देती। अरे अरे भाभी जी नाराज हो गई लगता है। चलो कोई बात नहीं, भाभी जी के हाथ में मेहंदी तो लगा दी, अपने दिल की बात तो कह दी, बैंगन नहीं बनाया चला। चलो कोई बात नहीं भाभी जी, अगली बार दिल बनाऊंगा। बाय बाय, शाम को मिलता हूँ करवा चौथ वाले पे। है अरे करो ना भाभी जी, जल्दी करो। हाँ हाँ कर रही हूँ। चलिए जल्दी से ना, भूख लग रही है मेरे को बहुत तेज। आप व्रत खुलवा दीजिए मेरा। मैं क्या कह रहा था, ये करना जरूरी है इसके साथ? अरे वे तेरे को पता नहीं है, करवा चौथ के फास्ट पे यही सबसे इम्पोर्टेंट काम है। आप करो ना, उसकी बात पे कहाँ ध्यान दे रहे हो? हाँ अपने पति को देखकर ही तो करते हैं। और आप मेरे लिए गिफ्ट लाए हो पहले ये बताओ? अरे सब कुछ लाया हूँ, वो नीचे पड़ा है। अच्छा फिर ठीक है, फिर तो कर दूंगी मैं, वरना मैं नहीं करती। मरते तो मरते मेरा क्या। अरे भाभी जी इससे पूछो तो सही, गिफ्ट क्या लेके आए आपके लिए? ए तेरे को सब चीज बताऊं, तेरे को बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है भाभी और मेरे में। अरे ऐसे थोड़ी होता है, इससे पूछो गिफ्ट लेके क्या आया है, कौन सा गिफ्ट है बता दो ना। क्या गिफ्ट लाए हो? गिफ्ट में स्पेशल चीज है, और सरप्राइज में तो स्पेशल चीज बताई नहीं जाती। क्या स्पेशल है? वो क्यों बताऊं, सरप्राइज है ना। हाँ बता दो क्या है, अगर फालतू की चीज हुई ना तो देख लेना, फिर तुम भूखे रहोगे कल पूरा दिन। पहले आप व्रत तोड़ो, मतलब पहले आप व्रत खोलो, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है ठीक है, दे देंगे देव जी, खोलने दीजिए। अरे भाभी जी ये क्या बात हुई, सरप्राइज मैं भी आपके लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। तू क्यों लाया इसके लिए गिफ्ट? भाभी जी है ना मेरी, इसलिए गिफ्ट लेके आया हूँ मैं। और वैसे भी क्या पता भाभी जी इससे बढ़िया गिफ्ट मेरा हो। हाँ तो तेरे को थोड़ा ना फास्ट खुलवाना है, फास्ट तो मैं खुलवाऊंगा। हाँ हो सकता है जी, अब देवर जी लाएंगे गिफ्ट, आपको क्या प्रॉब्लम है? हाँ तो ये सब छोड़ो, मैं फास्ट खुलवा रहा हूँ, फटाफट करो पहले ये। हाँ करो भाभी, जल्दी करो। अरे भाभी जी क्या हुआ? लो भाभी जी पानी पियो, पानी पियो भाभी जी, पानी पियो। अरे 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 भाभी जी बस बस, हाँ मैं ही पी लेता हूँ, प्यासी थी ना। ठीक है भाभी जी। अब अबे ये क्या किया तूने? क्या किया? अबे तूने इसका फास्ट क्यों खुलवाया? ओ, मैंने भी पानी पी लिया। भाभी जी आपने मेरी शकल भी देख ली इसमें से। हाँ इसका मतलब कि मेरा फास्ट देवा जी ने खुलवाया, तुमने नहीं। मतलब ये चांद और ये दिन, ये हमेशा चाहते थे कि भाभी जी आप मेरी हो। भाभी जी नहीं, अब तो आप मेरी बेबी हो गई ना। हाँ अब तो मैं तुम्हारी बेबी होगी। अगर करवा चौथ का फास्ट तुमने खुलवाया है तो फिर इस आदमी से मेरा क्या रिश्ता? फास्ट तो पति ही खुलवाता है ना, तो इसका मतलब तुम मेरे पति हुए। हाँ बिल्कुल मैं हुआ ना पति। थैंक यू चंदा मामा, थैंक यू। तुम जिंदगी में एक मेरा फास्ट तक नहीं खुलवा पाए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इससे अच्छे तो देवर जी है। देवर जी नहीं, बेबी जी, बेबी बोलो, बेबी जी है। हाँ अब तेरा कोई काम नहीं है। देख कायनात भी चाहती थी कि भाभी जी, मेरा मतलब बेबी जी और बाबू जी दोनों का संगम सेम हो, समझे? तो इसका मतलब अब से मेरे पति तुम हुए, और तुम्हें छोड़ोगे नहीं। छोड़ो, मैं तो कह रहा हूँ छोड़ो इसको और मुझे पकड़ो, अपन चलते हैं बेबी, चले? चलो। और डाइवोर्स के पेपर तुम्हें तुम्हारे घर पे मिल जाएंगे। उसने तेरा फास्ट क्या खुलवाया? डाइवोर्स कहाँ से आ गया इसके बीच में? मुझे तो देवा जी पसंद है। चलिए चलिए चलिए। ये कमीना मेरा दोस्त मेरी वाइफ ले गया। ये करवा चौथ ने मेरी जिंदगी आराम कर दी।